हम अधिकतर शादियों में या फंक्शन में तो जाते ही रहते हैं, और जब भी कहीं जाते हैं तो मैक्सिमम लेडीज साड़ी ही प्रेफर करती हैं। और साड़ी में आपको बिना पिनअप करे साड़ी तो कोई पहन नहीं पाता आज के टाइम में तो खासकर। और पिनअप करने का एक ड्रॉबैक है कि कई बार साड़ी और ब्लाउज सेफ्टी बिल की वजह से फट जाते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं हमारे तो वो कई बार मम्मी के आगे पीछे घूमने की वजह से वो बच्चे मम्मी को खींचते रहते हैं, तो वो पल्ला ही पकड़ में आता है और पल्ला खींच देते हैं। या कहीं हम लोग बैठे और पल्ला नीचे दब गया तो खिंचाव की वजह से साड़ी या जहाँ से हमारी ये साड़ी पिनअप है तो वहाँ से ब्लाउज फट जाता है। और इतनी एक्सपेंसिव साड़ी होती हैं वो फटती हैं तो तकलीफ तो होती है। तो मैं भी इस सब चीज़ों से बहुत परेशान थी, तो मैंने एक तरीका सोचा। मैंने कहा बहुत मुश्किल हो रही है, बार बार साड़ियाँ फट जाती हैं, तो मैं आपको वो एक तरीका एक शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने उसके लिए क्या किया। अब न्यूज़पेपर तो या पेपर कोई भी हल्का फुल्का कागज पैम्पलेट आते रहते हैं, तो वो कोई भी आप एक कॉर्नर से थोड़ा सा फाड़ लिया हमने। देखिए मैंने इतना सा न्यूज़पेपर का पीस लिया है, इससे बड़े की ज़रूरत ही नहीं है। इसको एक हैंकी के तरीके से हमने फोल्ड किया, इसको 4 times फोल्ड कर लो, या अगर बड़ा है तो हम 5 times भी फोल्ड कर सकते हैं। और ये हमने फोल्ड किया और कोई भी सेफ्टी पिन ली और मैंने इसको ओपन करके हम क्या करते हैं डायरेक्ट इसको साड़ी में अटैच करते हैं। तो साड़ी में अटैच करने से पहले हमें ये पेपर में अटैच कर देना है, और ये पेपर चूँकि फोल्ड होके मोटा हो गया है, थिक हो चुका है, और एक इसने एक लेयर बना दी है, और उसकी वजह से ये स्टॉपर का काम करता है। मैं स्पेशली स्टॉपर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि साड़ी में क्या होता है जब आप बिना पेपर के आप डालते हो तो ये यहाँ से धीरे धीरे खोल करते करते वो साड़ी में कई बार ब्लाउज में पार हो जाता है। और ये जब मेरे साथ होती है प्रॉब्लम तो ऑब्वियस है कि ये सबके साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती ही है, तो आप लोगों के साथ भी आई होगी। तो मैंने जब इसके इस तरीके से साड़ी जितनी बार भी पहनी तो मुझे एक बहुत रिलीफ मिला। मैं कहीं से भी आ गई अगर ये मेरी लगी हुई है तो मेरी साड़ी ना तो कहीं से टच से बस हिलती है, और ना मेरा कभी ब्लाउज फटा ना मेरी कभी साड़ी फटी। और अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप बिल्कुल इसको अपनी लाइफ में अपनाना चाहेंगे। और आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना मेरा चैनल बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी कोई ना कोई घरेलू टिप्स लाती रहूँगी जो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। थैंक यू सो मच।